आईपीएल 2024 के ऑक्शन के खत्म होने के बाद मुंबई इंडियंस की टीम का नया स्क्वाड ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है। तो इस स्पेशल वीडियो में हम आपको मुंबई इंडियंस की टीम का बिल्कुल नया स्क्वाड बताएंगे, यानी कि आईपीएल 2024 में मुंबई इंडियंस की टीम कौन से नए स्क्वाड के साथ उतरेगी। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होगा, इसीलिए आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखते रहे। और अगर आप भी मुंबई इंडियंस टीम के फैन हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को याद से सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर ले। तो आइए जानते हैं आईपीएल 2024 के लिए मुंबई इंडियंस के टीम के बिल्कुल नए स्क्वाड को। तो मुंबई इंडियंस के स्क्वाड में पहला नाम आता है इस टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा का, जिनका प्राइस 16 करोड़ है। और इसके बाद मुंबई इंडियंस के स्क्वाड में दूसरा नाम आता है इस टीम के नए कप्तान और ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या का, जिनका प्राइस 15 करोड़ है। इसके बाद तीसरा नाम आता है दाहिने हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस का, जो कि साउथ अफ्रीका से है और इनका प्राइस 3 करोड़ है। इसके बाद चौथा नाम आता है 360 डिग्री बैट्समैन सूर्य कुमार यादव का और इनका प्राइस 8 करोड़ है। इसके बाद पांचवा नाम आता है बाएं हाथ के विकेट कीपर ओपनर यानी कि ईशान किशन का, जिनका प्राइस 15 करोड़ 25 लाख है। इसके बाद अगला नाम आता है बाएं हाथ के तूफानी बल्लेबाज तिलक वर्मा का, जिनका प्राइस 1 करोड़ 70 लाख है। इसके बाद सातवां नाम आता है टिम डेविड का, जो कि दाएं हाथ के फिनिशर बैटर हैं और इनका प्राइस 8 करोड़ 25 लाख है। इसके बाद नाम आता है दाहिने हाथ के विकेट कीपर विष्णु विनोद का, जिनका प्राइस इस साल के लिए 20 लाख ही रखा गया है। इसके बाद अगला नाम आता है ऑलराउंडर अर्जुन तेंदुलकर का, जिनका प्राइस 30 लाख आईपीएल 2024 के लिए सेट किया गया। इसके बाद दसवां नाम आता है शम्स मुलानी का, जो कि ऑलराउंडर है और इनका प्राइस भी 20 लाख ही रखा गया। वही ग्यारहवां नाम आता है एक और ऑलराउंडर नेहाल वधेरा का, जिनका प्राइस आईपीएल 2024 के लिए 20 लाख है। इसके बाद बारहवां नाम आता है ट्रेड प्लेयर ओमारियो सेफर्ड का, जो कि लखनऊ से टीम में आए हैं और इनका प्राइस 50 लाख है। इसके बाद तेरहवां नाम आता है जसप्रीत बुमराह का, जो कि तेज गेंदबाजी का अगुवाई करेंगे और इनका प्राइस 12 करोड़ है। इसके बाद चौदहवां नाम आता है स्पिन गेंदबाज कुमार कार्तिके का, जिनका प्राइस 20 लाख रुपया रखा गया है। इसके बाद पंद्रहवां नाम आता है मुख्य स्पिनर पीयूष चावला का और इनका प्राइस आईपीएल 2024 में 50 लाख रखा गया। इसके बाद अगला नाम आता है यानी कि सोलहवां नाम है आकाश मधवाल का, जिनका प्राइस 20 लाख रुपये सेट किया गया। वहीं अंतिम यानी कि सत्रहवां नाम आता है जेसन बहरेनड्रॉफ का, जिनका प्राइस 75 लाख रखा गया है। और इसके बाद मुंबई इंडियंस की टीम ने ऑक्शन में जिन नए प्लेयर्स को खरीदा उन सभी खिलाड़ियों का लिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर पिन कमेंट में मिल जाएगा। और हम अपने टेलीग्राम चैनल पे भी मुंबई इंडियंस के नए प्लेयर्स की लिस्ट डाल चुके हैं, लेकिन आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और कमेंट बॉक्स में भी मुंबई इंडियंस के नए खिलाड़ियों का कंप्लीट लिस्ट बिल्कुल आसानी से देख पाएंगे।